अरे क्या पके जा रहे हैं मनहूस आदमी, कीड़े पड़े हैं तुझे हैं? अल्लाह तुझे समझे जमील अहमद, तू मेरी बुराइयां कर रहा था हैं? तेरे मुंह में खाक, तेरी माँ की उम्र क्यों मैं? अरे कोई दीद लिहाज है तेरी आंख में? अल्लाह करे तू अंधा हो जाए, मस्टंडा अवारा कहीं का है, काली जबान है मेरी, सारा खानदान जानता है गुलशन के मुंह से निकले हुए अल्फाज तीर की तरह जाकर ये लगते हैं। आइंदा अगर तूने मेरी बुराई की किसी के सामने या मुझे बुरा भला कहा तो याद रखियो, ट्रक के नीचे आकर कुचला जाएगा और समेटा भी नहीं जाएगा। मनहूस मारा मौत आए से। अम्मा अम्मा बस करें, जाने दें और बद्दुआ ना दें उसे। अरे कैसे ना दूं? तुझे पता है इस कमीने जमील ने हाजी साहब की बेगम को मेरे बारे में क्या कहा है? जो भी कहा होगा अम्मा, खुद भुगतेगा ना, गुना उसी मिलेगा। अरे कब्र में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे इसे, बुख्तान लगा दिया मुझ पर, अरे इस उम्र में मेरे सर में खाक डला दी। वो तो हाजी साहब की बेगम अच्छी थी, उसने मुझसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि क्यों भाई मेरी बुराइयां कर रही थी, आखिर किस मामले में? तो क्या उन्होंने जमील का नाम लिया था? अरे राज रख रही थी, मैंने भी उगलवा लिया, मैंने भी ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, खुदा करे आग लगे इसे, मरे मनहूस मारा। अम्मा। अरे क्या अम्मा, बस तू देखना कल तक सबर कर, तू देखना मेरी बददुआएं उसे निगल जाएंगी, मलिया मेट हो जाएगा, मर जाएगा मनहूस मारा, ख्वार होने वाला लानती आदमी, पान का मजा भी खराब कर दिया मैंने। आफ्ताब, आप अम्मा को समझाते क्यों नहीं है? वो गुस्से में इतनी बुरी बुरी बातें और इतनी खौफनाक बद्दुआएं देती है कि सामने वाले का दिल दहल जाता है। ये अम्मी के लिए ना नॉर्मल है, अम्मी को जब गुस्सा आता है तो इसी तरह से बद्दुआएं देती हैं लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही। नॉर्मल या एबनॉर्मल, मैंने कभी जिंदगी में भी किसी को इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। किसी को बुरा भला कहने की भी एक लिमिट होती है, और वैसे भी इस तरह बद्दुआएं कबूल नहीं होती तो फिर इस तरह बद्दुआ देने का क्या फायदा? अरे जो अम्मी की बद्दुआएं हैं ना, ये बुलेट की तरह है, टारगेट पे जाके लगती हैं, इसीलिए अम्मी से कोई पंगा नहीं लेता, पूरा खानदान जानता है कि अगर अम्मी ने बद्दुआ दे दी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी सबकी, तो इसीलिए सब बच के रहते हैं अम्मी से। तुम भी ना अभी नई हो, इसलिए घबराती हो, परेशान होती हो, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे लिए सब, ठीक है? और एक बात और, अम्मी की ना बेड साइड पर ना आना, उनका दिल ना दुखाना, ख्याल रखो उनका। और एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अरे आपा, वालेकुम अस्सलाम, आज आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो जमील की दुकान से सामान लेती हैं। अरे रहने दो, मुआ 500-600 रुपया ज्यादा लेता हर महीने राशन का, मैंने हिसाब लगाया तो मुझे पता चला, इसके काम से बरकत उठे। अच्छा मुझे बताओ कि चने की दाल क्या भाव दी है? भाई 180 रुपए किलो। दो बताओ, वो 200 रुपए किलो देता रहा मुझे हर महीने। अच्छा ऐसा करो शेख, ये मुझे सारा राशन जो है ना वो बना दो और मैं सब्जी लेकर आती हूँ, वापसी पर ले लेती हूँ, रेट सही सही लगाना, वरना तुम्हें भी छोड़ के किसी और दुकान पे चली जाऊंगी। नहीं नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, जल्दी से। ठीक है मैं निकाल दे रहा हूँ चने की दाल 1 किलो। अल्लाह बेचारा कैसे पड़ा हुआ है बेबस, बेचारे का जवान जान बेटा, लोगों का देखो जरा, ऐसा भी होता है कभी कभी, किस्मत क्या हो जाता है, किस्मत के मारे नहीं चला किस तरह।
सलाम अलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम साहिबजा, क्या हाल है? कहाँ गई थी? हाय हाय, आपको नहीं पता क्या हुआ? अरे वो अपने रहीम चाचा है ना, उनका बेटा जमील अहमद, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। दही लेने जा रहा था मोटरसाइकिल पे, पीछे से बस वाला मार के चला गया। क्या हुआ फिर, मर गया? हाय अल्लाह ना करे, क्या हो गया तुम्हें? जवान बच्चा है, ऐसे नहीं बोलो। अल्लाह, सिर्फ टांगे ही तो टूटी हैं उसकी, और रहीम भाई तो बेचारे बहुत परेशान हैं, और उनकी बीवी, उनका तो रो रो के बुरा हाल है बेचारी का। अरे तुझे नहीं पता नुसरत, बुराई का अंजाम बुरा होता है, अब पता चलेगा इसे गुलशन खाला के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। हाय क्यों आपा, जमील से नाराज हो क्या? कोई बदतमीजी की उसने क्या? अरे समिया ने तो ना अपने बच्चे को जरा तमीज अदब लिहाज सिखाया ही नहीं है। लाड प्यार ने ना इसका बेड़ा बिल्कुल गर्क कर दिया है। अभी तो टांगे टूटी है ना, एक दिन लाश घर आएगी इसकी, तब मैं भी देखूंगी, सारा मोहल्ला भी देखेगा, फिर पता चलेगा। इस औरत से तो मुझे खौफ महसूस होता है, मुंह भर के बदवाई और कोसने देती है। अल्लाह माफ करे, जो भी इसके हाथ लग जाए ना उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। अरे बेहतरीन तरीका है ऐसी औरतों से बचने का, बच बच के चलो और जहाँ मिले ना वहीं से रास्ता काट लो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मुझे तो बेचारे जमील पर तरस आता है, इस औरत की बदवाओं से बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है। चल बहन चल, अल्लाह माफ करे, इस औरत की शक्ल देख ली। अम्मा क्या कर रही हो? अरे नजर नहीं आ रहा, कत्था भिगो रही हूँ, क्या कर रही हो? सलाम अलैकुम अम्मी। अरे माँ सदके माँ कुर्बान, वारी चली जाए, अल्लाह सलामत रखे, तुझे खुश रखे, अल्लाह तरक्कियाँ दे बहुत। अरे अम्मी ये आपकी दुआओं की ढाल है जो हमें हर हादसे से बच जाता हूँ। हादसा? भैया किस हादसे की बात करें? या अल्लाह खैर क्या हुआ बेटा? अरे अरे घबराने की कोई बात नहीं है, अभी ऑफिस से घर आ रहा था तो चिंची रक्षा वाला टकराते टकराते बच गया, वो तो अल्लाह पाक का करम है और मेरी अम्मी की दुआएं हैं कि किसी बड़े नुकसान से बच गया मैं। अरे कौन था वो अंधा, खुदा उसे गारत करे, उस कमबख्त को तेरी गाड़ी नजर नहीं आई, हड्डियां तोड़ देते उसकी, अल्लाह करे आगे जाकर ना किसी ट्रक से टकराए, फिर उसे अपनी नानी याद आएगी, बीच सड़क के मरे कमबख्त। तौबा तौबा, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी की तो परवाह नहीं होती, दूसरों को भी फालतू समझते हैं। अपने बच्चों के लिए दुआएं और दूसरों के लिए इतनी बददुआएं, ये कैसा रवैया है अम्मा का? बस अम्मी आपकी दुआओं की ढाल हमेशा मेरे साथ है। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, अल्लाह तुझे खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे तुझे। आमीन। भाभी सुना आपने भैया क्या कह रहे हैं, इनका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन हमारी अम्मा तो हमारे लिए इतनी दुआएं करती हैं और इतना प्यार भी करती हैं। अरे मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए दुआएं नहीं करती, मैं तो सोबिया के लिए भी बड़ी दुआएं मांगती हूँ, आखिर वो भी फर्द है ना इस घर का, मेरी बहू है, अल्लाह उसे भी सलामत रखे खुश रखे, दुआएं लेती रहना बस अब मुझसे। शुक्रिया अम्मा, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अब आप फ्रेश हो जाए तो चाय बना दूं आपके लिए? हाँ हाँ जरूर। मेरे लिए भी ले आना चाय, बाद में पान खाऊंगी मैं। जी अम्मा। मेरा बच्चा खाएगा पान, मीठा पान बना के दूं? नहीं नहीं मैं ऑरेंज खा रहा। क्या उस्मान, मैं अम्मा के घर एक महीने के लिए रहने आई थी, पूरे 6 माह बाद आई हूँ अम्मी के पास, और अब आप कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। सोच लेना मुसर्रत, अगर तुम आज के आज वापस ना आई ना तो कभी दोबारा तुम्हें इस घर में वापस नहीं लाऊंगा मैं। बैठी रहना फिर अपनी माँ के घर और पूरा करती रहना वहाँ रहने का शौक। उस्मान तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है ना, तुम इसी तरह हमेशा मेरी खुशी बर्बाद करते हो। इस बार तुमने वादा किया था कि सुकून से मुझे मेरी अम्मी के घर रहने दोगे। नहीं आई, वादों की पक्की। बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे इसका दिमाग सीधा करते रहना, माँ के घर जाते तो दिमाग भी खराब हो जाते। हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्यों रो रही है? हुआ क्या है? बोल। अम्मा उस्मान का फोन था। फिर क्या? कह रहे हैं वापस आ जाओ। हैं? वापस आ जाओ? अभी 3 दिन हुए तुझे आए हुए, वापस बुला रहा है?
महीने के लिए आई थी तू रहने? आई तो महीने के लिए थी, लेकिन अब वो फोन करके कह रहे हैं कि मेरी नंद आ गई है, तुम वापस आ जाओ। ये क्या बात हुई, नंद आ गई है? नंद भी तो अपने महके आई है ना, वो कौन सी ससुराल जाके रह रही है जो तुझे अपने महके से वापस बुला रहा है? वो दोगला कहीं का। अम्मा आप तो जानती है ना मेरी नंद को, कितनी आराम पसंद है वो। आ जाती है तो कोई काम नहीं करती, बेड पे बैठ जाती है, पैर तक नीचे नहीं रखती। पैर टूटे उस मुई के मनहूस मारी के, एड़ियां रगड़ कर मरे सारी जिंदगी, उसे चैन ना आए। तेरी जान को अजाब में डाला है, तू देख लेना अब क्या करेगी तू। क्या करूंगी, वापस जाऊंगी। आपको तो पता ना उस्मान कितना गुस्से वाला है, और मेरी सास वो तो मेरी जान ले। अल्लाह ना करे, क्या औरफौल बके जा रही है तू, मरे तेरे दुश्मन। अम्मा आपकी दुआएं मुझे क्यों नहीं लगती हैं? जब तक मेरी सास है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे मरे तेरी सास, मोटी भैंस, हट्टी कट्टी होके घर का काम नहीं कर सकती वो मुई मरे मनहूस मारी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत नुकसानदेह होते हैं सारे माशरे के लिए, हमारे लिए क्या सबके लिए। अब तू रो ना, तू रोएगी ना, तेरे आंसू देखूंगी ना, तो मैं हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दूंगी। अल्लाह करे ये सारी जिंदगी चैन से रहे ही ना, मरे कीड़े पड़े इन्हें। बस तू मेरी बच्ची थोड़ा सा सबर कर ले, सबर से काम ले, फिर देखना मेरी बद्दुआएं कैसे तेरी सास को जाके लगती हैं। मेरी बच्ची को परेशान करने वालों का और तेरी नंद का भी घर बर्बाद हो, जो तुझे नहीं सुकून से रहने देती। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया मेरी बच्ची, क्यों रो रही है, क्या हुआ? अम्मा उस्मान का फिर फोन आया था, कहता अगर तुम फौरन घर नहीं आई ना, तो मैं सुबह होते ही तलाक भिजवा दूंगा। अरे ऐसे कैसे दे देगा तलाक, तुम जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की उसे मिलेगी भला? अम्मा आप नहीं जानती उस्मान को, वो वही करता है जो उसकी माँ कहती है। उसकी माँ की तो मैं, अल्लाह करे मरे, उसे कफन नसीब ना हो, सत्यानाश हो जाए उसका। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, देखती हूँ कैसे छोड़ता है तुझे। सोबिया, अरे मेरा बुरका लेकर आ, खबरदार रोने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं देखती हूँ जरा कैसे तुझे छोड़ने की बात करता है वो, और कैसे तेरी सास तुझे कोई ताने देती है। चल। अरे दूसरा लेकर आ, नीचे का बुरका, सबके दिमाग खराब हो गए, अकल पर पत्थर पड़ गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरी सास की अकल पर पत्थर पड़े। मैं देखती हूँ ना तेरी सास की तो ऐसी की तैसी, अरे वो तो मरेगी मनहूस, उसे कब्र भी नसीब नहीं होगी। उसकी औलाद जो है ना, वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेगी। तो देखना, मैं भी देखूंगी, सब देखेंगे अपनी आंखों से। कहां से आ रही हो? अरे हम तो जरा गुलशन आपा की तरफ गए थे, मगर वो तो अपनी बेटी के घर गई थी। हाँ उनकी बहू से मुलाकात हुई हमारी, मगर माशाल्लाह उनकी बहू ने बहुत इज्जत दी। अल्लाह पाक सबको ऐसी बहू दे। अरे भाई गुलशन खाला जैसी औरत के साथ निभाना आसान काम नहीं है, वो तो उनकी बहू का हौसला है जो निभा रही है। अरे नहीं बहन, गुलशन खाला गुस्से की तेज है, दिल की बुरी नहीं है। तो हमने कब उनका दिल देखा है, हमने तो जबान ही देखी है। और तौबा तौबा ऐसी जबान, क्या क्या कोसते देती है वो हर किसी को, तुम्हें भी तो देती रहती है कितनी बद्दुआएं। अरे नहीं भाई, मुझे तो कभी बद्दुआ नहीं दी, हमेशा दुआई देती है। हैं? तुझे देती होंगी दुआएं, हमने तो उसके मुंह से हमेशा बदवाएं सुनी है, कोसे ही सुने। मैंने तो सबसे यही सुना है कि वो बदवा के अलावा कुछ देती ही नहीं है। अरे भाई गुलशन खाला तो सिर्फ अपने बच्चों को दुआएं देती हैं और दूसरे के बच्चों को सिर्फ बददुआएं। अगर उनकी बददुआओं का पलड़ा दुआओं से भारी हो गया तो क्या होगा, कभी उन्होंने सोचा? चलो खैर हम चलते हैं, आ जाए, अल्लाह हाफिज। आ रही हूँ भाई, जरा सा सबर तो करो। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा बंद करना। वालेकुम सलाम। बहन वैसे बुरा मत मानना, अब पता नहीं तुम्हें मेरी बात सही लगे या गलत, लेकिन इस तरह से मुसर्रत का बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगा, सीधी सी बात है। देखो बाजी,
हमारे यहाँ ब्याही बेटियों को मैके में बहुत इज्जत दी जाती है। अब मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए मैके रहने आ रही है, तो क्या घर की बहू को घर में नहीं होना चाहिए? वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी आपकी बेटी मैके आए तो अच्छा है, बहू अपने मैके जाए तो बहुत बुरा लगता है आपको। आपकी बेटी को हमने अपने घर में कोई तकलीफ नहीं दी है, यहाँ उसे हर किस्म का ऐश आराम सब मैसर है। इसके बावजूद भी इसने अगर आपसे जाके कुछ उल्टा सीधा कहा है तो ये झूठी है, इसे अपनी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इसे अपने साथ वापस ले जाएं। जितने लाड़ प्यार उठाने उठाएं, जितने दिल रखना चाहती हैं रखें, हम नहीं बुलाएंगे इसको। आंटी आप तो बुराई मान गई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ आपकी बहुत तारीफें करती हूँ, और घर पे सब आपसे बहुत मुतासर हैं। सोबिया भाभी तो आपकी फैन है। अम्मी ने बुरा मान लिया क्योंकि मुझे इस तरह वापस आना पड़ गया। अम्मी आप बुरखा उतारे ना, रिलैक्स कर लें थोड़ा। नहीं भाई मुझे नहीं करना आराम आराम। उस्मान से बोलो कि मुझे छोड़ आए घर जाकर। उस्मान तो बाजार गया हुआ है दावत का एहतमाम करने। अरीबा अपने मियाँ के साथ आ रही है, और हमारे यहाँ दामादों को बहुत इज्जत दी जाती है। रहने दो बहन, मैं चली जाऊंगी। अम्मी मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। मेरी तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, बस अपने आप में। हाँ अपनी औलाद को तो सभी खुश देखना चाहते हैं, बस दूसरों की ही औलाद बुरी लगती है। मुंह भर भर के बददुआएं दे देते हैं और सोचते नहीं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? माँ को पानी तो ला के पिला दो, फिर कल को कहेंगी कि पानी तक का नहीं पूछा। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? अम्मा मुझे बता रही है कि तुम जब से अपनी माँ के घर से आई हो तुम सबसे नाराज नाराज सा बोल रही हो। ये मुंह क्यों फुलाया हुआ तुमने? तुम्हारे इस रवैये की वजह से ना सारे घर में टेंशन हो रही है। क्या टेंशन फैला रखी है? हाँ ज्याती तो तुम्हारी अम्मा की जानिब से शुरू हुई है ना। अच्छा मेरी अम्मा ने तुम्हारी अम्मा हुजूर की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी जो तुमसे हजम नहीं हो रही? उस्मान आप मुझे खुद बताएं, मेरी अम्मा हमारे लिए कितनी दुआएं करती हैं। हर वक्त उनके लबों पर हमारे लिए दुआ होती है, पर आंटी ने उनके मुंह पर उनकी इतनी इंसल्ट किया कि वो बदवाएं देती हैं। तो इसमें झूठ ही क्या है? तुम्हारी अम्मा की दुआएं ना सिर्फ अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए हैं, और बाकी सब तो अब तुम मुझे झुटलाने की कोशिश मत करना, सब कुछ जान गया हूँ मैं। क्या झुटलाने की कोशिश मत करना, क्या जान गए आप? आपके घर वालों ने मेरे घर वालों के खिलाफ आपके क्या कान भरे हैं? मेरे कान कौन भरेगा? वो जो तुम्हारे महल्ले में रहते हैं ना हकीम चचा, वो अरीबा के ससुराली रिश्तेदार हैं, और उनका बेचारा जवान बेटा अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी अम्मा की बददुआओं के बदौलत। अब मेरा ना और मुंह मत खुलवाओ तुम। अम्मा सोबिया ठीक कहती है, कहीं अम्मा की बदवाएं हमें ना ले डूबे। अब तो ये बात यहाँ भी आ गई है, अब आंटी हर बात में अम्मा की बदवाओं के ताने देंगी। अरे आए! सॉरी आंटी। अरे अंधे हो क्या, नजर नहीं आता तुम्हें? आंटी मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो अनबैलेंस हो गया था मोड़ पे। अरे शेख साहब बड़े बनकर अपने बेटे के साथ बैठ तो गए हो, लेकिन कमाल है आपके बड़ेपन का, अपने बच्चे को इतनी तमीज तो सिखाई होती किसी बुजुर्ग को टक्कर ना मारे। वो मैं डिसबैलेंस हो गया था आंटी, सॉरी सॉरी। अरे रहने दो, तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हो, बदतमीज कहीं का। बहन आप इतना नाराज क्यों हो रही है? बच्चा अपनी गलती मान के सॉरी कर रहा है ना आपसे। अरे लानत भेजती हूँ मैं इस पर और इसकी सॉरी पर। ये अच्छा हुआ भाई, गुनाह करो और सॉरी कर लो।
गुनाह? कौन सा गुनाह किया मैंने? अरे तुम जैसे बदबख्त और बदजात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेड़ा, घर को तुम्हारा सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अब बीबी मैं आपसे तमीज से और इज्जत अखलाक से बात कर रहा हूँ और आप एक बदतमीजी किए जा रही है। ऐसा कौन सा हादसा हो गया? खुदा ना खासा कयामत आ गई क्या जो आप इतना बड़ा घेड़ा घड़ा कर रही है? लो और सुनो, इनके नजदीक कयामत तब आती जब मैं एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंच जाती या मेरी लाश यहाँ कहीं बिखरी पड़ी होती। तो शेख साहब अपने उम्र का लिहाज करो और कोई अकल सिखाओ अपने बेटे को। मैं आपसे तमीज और अखलाक से बात कर रहा हूँ और आप बदतमीजी किए जा रही है और बददुआएं दे रही है, ये कोई तरीका है आपका? हाँ दूंगी बददुआएं, जब दिल दुखेगा तो दिल से बददुआएं निकलेंगी मेरे। अरे माफ कर दो हमें, चलो बेटे चलो। अरे जाओ जाओ, अब देख लेना इसी मोटरसाइकिल पे जा रहे हो ना, आगे जाके ट्रक पर टक्कर लगेगी, आंखें फूटेंगी और जुबान कट जाएगी जो मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, या अल्लाह इसके साथ ऐसा ही हो बस। अरे सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगी, बारगाह इलाही में मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे, कामयाबी दे, खुशियां दे, बच्चों के बच्चों की खुशियां देखे मेरे बच्चे, लेकिन ना इसने तो मेरी सारी दुआओं को रद्द कर दिया। अरे रही ना तुम आखिर बहू की बहू, बेटी ना बन सकी, मैंने तो बेटी समझा लेकिन तुम ना बन सकी कभी भी बेटी मेरी। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते ना तो बुरा भी नहीं कहना, नहीं कहना चाहिए।